देख बेटे, जिंदगी, ये बटालवी साहब का है, जिंदगी 10 चाटों की, उसमें एक हिस्सा सेहत है, एक हिस्सा काम है, एक हिस्सा औलाद है, बीवी है, दोस्त है, लेजर है, कुछ ना करना, इल्म है, ये हासिल करना। कुछ लोग होते हैं वो वर्कहॉलिक्स होते हैं, और जी मैं काम में बड़ा फंसया, वेला नहीं, भैड़े और की करने, किन्ना काम कर लेना तू, फाइलों नाल दफन हो जाना तू, ठीक है ना। सो काम हम इसलिए करते हैं ताकि हम जिंदा रह सके, हम जिंदा इसलिए नहीं है कि हम काम करें, वो मजबूरी है हमारी, के बाद औलाद भी है। लेकिन कुछ टाइम, दो बातें बड़ी जरूरी हैं फंक्शनिंग में, उसको कहता हूं उन लोगों से उठना बैठना जिनके साथ काम ना हो, आप सिर्फ गप लगाना चाहें, और वहां मुल्की हालात पे गुफ्तगू करने की इजाजत नहीं है। हमें कोई सिख का लतीफा सुनाए, हमें कोई नवे मरासी का लतीफा सुनाए, हमें बताया कुकड़ किसने को आया, हंसना चाहिए, वी वांट टू लाफ। कैसे ये हंसने की बात पे याद है, हमारी जिंदगी से हंसी निकलती जा रही है, हर वक्त टेंशन है, क्यों, ये क्या है, हम खुद हावी करते हैं, हमने हावी कर लिया है। देखो ना, पहले जमाने जब हम पार्टी में थे तो हर घर में बैठक होती थी, लोग बगैर पूछे आ जाते थे। अब बैठक में बैठने का वक्त नहीं है। मैं जो ये फंटरिंग लाहौर या ऐसा करता हूं, ये वो रिवायत है शाम की, ठीक है, कि दोस्तों ने आना यार। अच्छा, अब दोस्त कौन होता है ये सुन लो। पतरस बुखारी कहते हैं दोस्त वो है जिसके साथ आप बैठे हैं और कोई गुफ्तगू नहीं हो रही, लेकिन आप खुश हैं कि वो पास बैठा, ये दोस्त है। दोस्त वो है जब भी आपका और उसका इंटरेस्ट या इंटरेस्ट क्लैश करे तो वो हमा वक्त अपने इंटरेस्ट छोड़ने के लिए तैयार, ये भी दोस्त है। दोस्त वो है जो हर वक्त वो करने को तैयार हो जो वो समझता है आपके हक में। तो फिर दोस्ती और मराहल से भी आगे चली जाती है। दोस्त वो है जो हर वक्त अपनी जान आपके लिए देने के लिए तैयार हो, रसूल अली को छोड़ के जाते हैं अपने, ये दोस्ती है। और दोस्त वो है असल में, वो तो मुर्शिद मुरीद होता है, उसके दिल में बात हो तो आपको पता हो गया। दोस्त वो है जो आपको मौका दे कुछ करने का और आप खुश हो कि मैं, ये दोस्त होते नहीं हाथ मिलाने वाले, हमें दोस्त कम मिलते हैं। इसलिए जिंदगी में अगर आपके पास दो चार, वो मैंने आपको वो शायद बात सुनाई है ना, पूछा गया कि कामयाब इंसान कौन है, तो उनने कहा कि सिद्ध के दिल से ये तसव्वुर कर ले वो कि तुम्हारा कुल मलकियत वो कपड़ा है जो निचले धन पे। अब सिद्ध के दिल से ये सोचो तुम्हारी ज़ात को कौन मिलने आएगा, अगर एक शख्स मिलने आ जाए तो समझो कि जिंदगी कामयाब है। हम तो समझते हैं चूँकि हमारे पास झंडा है, हम आए हैं, ये लोग मेरे इर्द गिर्द पड़े, मैं बड़ा टार्जन बन गया। पूछिएगा ये जो नैब में लोग पकड़े जाते हैं, कोई कौन मिलने आता है इनको, शिकवा करते हैं जो पकड़े जा रहे, जी कोई आए नहीं। देखें बेटे, चढ़ दे सूर्य ने तो सब सलाम कर दे ना, मजा तो तब है कि आप गिरे हुए हो और लोग कह रहे जहाज भाई जान क्या अच्छी आपने विग लगाई है। कैसा बहुत आला, बहुत आला।